सहारनपुर में मदरसा कारी समेत दो पर मुकदमा दर्ज। 10 साल के बच्चे को जंजीरों से बांधकर पीटने का है मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्र। सहारनपुर में तीतरो क्षेत्र के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को जंजीरों से बांध कर रखने और मारपीट के प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने मदरसे के कारी और बच्चे के रिश्ते के दादा के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 सहित संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जानकारी के लिए बता दें कि गांव मोहम्मदपुर गुज्जर निवासी राम कुमार के घर में शनिवार की सुबह जंजीरों से बंधा 10 वर्षीय बच्चा एक कोने में बैठा हुआ मिला था। पता चलते ही वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के लिए बता दें कि पूछताछ करने पर बच्चे ने खुद को पड़ोसी गांव बालू का रहने वाला बताया। उसका पिता बिहार में कपड़ों की फेरी लगाने का काम करता है। कारी उसे इंसान बनाने की नसीहत देकर पीटता था। ग्रामीण बबलू कुमार, सोनू कुमार, महिपाल सिंह, सन्नी कुमार, सुभाष आदि ने बताया कि बच्चा बेहद ही डरा हुआ और सहमा हुआ था। पता चलने पर उसके परिजन भी वहां पर पहुंच गए। जानकारी के लिए बता दें कि परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चा गलत संगत में पड़कर चोरी करने लगा था, जिस कारण उसे जंजीरों में बांधकर रखा गया था। ग्रामीणों ने उसके हाथों से जंजीर खोली और इसके बाद परिजन बच्चे को अपने साथ लेकर चले गए। ये मामला समाचार पत्रों की सुर्खियां बनने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। SDM नकुड अजय कुमार और CO गंगो मुनीश चंद ने बच्चे से मिलकर उसके बयान दर्ज किए थे। SDM ने जानकारी देते बताया कि उनके और CO के द्वारा मामले की जांच की गई है। प्रथम दृष्टया मदरसे में बच्चे के साथ अमानवीय बर्ताव किया गया है, पुलिस को कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि तीतरो कोतवाली प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि मामले में मदरसे के कारी, गांव कुम्मत खेड़ी निवासी तनवीर पुत्र शराफत और बच्चे के रिश्ते के दादा अरशद पुत्र सफीक के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। फिलहाल के लिए बस इतना। इस खबर से जुड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहे सिटी वेब के साथ।